अगर किसी को पथरी की शिकायत है तो तुलसी उनके लिए एक रामबाण औषधि है। इसका प्रयोग कैसे करना है? तुलसी के 2-3 ग्राम पत्तों को अच्छी तरह से कूट पीस कर इनकी चटनी बना लें और इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर नियमित रूप से चाट चाट कर इसका सेवन करने से इससे पथरी टूट टूट कर निकल जाती है। इसका सेवन आप नियमित रूप से करें, उस चूस चूस कर ही आप इसका सेवन करें, क्योंकि तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। इसमें जो मौजूद पारा होता है वो हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। अगर हम तुलसी के पत्तों को दांतों से चबाते हैं तो इससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए आप चूस चूस कर ही आप इसका सेवन करें। और शहद आप हमेशा छोटी देसी मक्खी का हो वही इस्तेमाल करें, और अगर किसी कारण से शहद उपलब्ध नहीं है तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ भी आप वही इस्तेमाल करें जो गहरे भूरे रंग वाला होता है, जो काला काला सा होता है, क्योंकि गुड़ का रंग जितना सफेद होगा वो उतना ही बड़ा जहर होगा। तो इस तरह से आप पथरी का इलाज घर पर ही कर सकते हो तुलसी के साथ। तो अगर पथरी की समस्या किसी को भी है तो उनसे भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी समस्या पूरी तरह से जड़ से ठीक हो पाए। धन्यवाद।